चतरा जिले में कार्यरत अनुबंध सहायक पुलिसकर्मियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। दरअसल झारखंड सरकार ने साल 2017 में तकरीबन 2500 युवाओं को अनुबंध के आधार पर सहायक पुलिस के रूप में उन्हें बहाल किया था, जिसकी सीमा आगामी 10 अगस्त को खत्म हो रही है और इसे लेकर सहायक पुलिसकर्मी अपने करियर को लेकर खासे परेशान है। इस मामले को लेकर पुलिसकर्मियों ने श्रम मंत्री से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस इससे छह महीना पहले हम लोग आंदोलन किए थे, जिसमें आश्वासन मिला था माननीय बंधु तिर्की जी के तरफ से कि आप लोग का जो भी मांग है वो 7 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन विगत अभी 8 महीना हो गया है और अभी तक नहीं हुआ है। जो 10 अगस्त को हम लोग का समाप्त हो रहा है अनुबंध, इसके बाद हम लोग सभी बेरोजगार हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे और अपना बात जो भी समस्या है वो रखे हैं। आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द आप लोग का कार्य हो रहा है। जो अनुबंध है वो 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हम लोग बेरोजगार है, जो हम लोग का कीमती समय दिए हैं, हम लोग का सारा उम्र खत्म हो गया है। हम लोग ना नौकरी के लिए कहीं बच गए हैं, इस आशा में ही सिर्फ रख अभी ड्यूटी कर रहे हैं कि हम लोग का 5 साल कार्य खत्म होने के बाद हम लोग को सीधे जिला बल में नियुक्ति किया जाएगा। उनका जो है कर्म पूर रहा है, तो उनका जो है रिन्यूअल करने के लिए, चूंकि 29 तारीख का कैबिनेट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और सब घर के ही हमारे लड़का लड़की हैं, हम लोग पुनः इनको रिन्यूअल करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।